फाइनली भाई यहाँ से केदारनाथ की यात्रा पैदल यात्रा स्टार्ट हो जाती है। ये है वो गर्म कुंड, ये नेचुरली है, यहाँ कोई मतलब गर्म पानी की मोटर वगैरह या ऐसी कुछ चीज़ें नहीं लगी हुई। हर हर महादेव। बेटा हर हर महादेव, आपने गलत लड़की पकड़ ली, ये बोलती थी। नहीं कोई बात नहीं, एक बार तो बोल दो गुड़िया। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये आपका चैनल वेदी व्लॉग्स और मैं हूँ आपका होस्ट यतीश वेदी। तो भाई फिलहाल हम सोनप्रिया की पार्किंग में और यहाँ से गौरीकुंड जाती हैं, मतलब यहाँ की लोकल जो है टैक्सी, तो भाई उसमें बैठेंगे हम। अब डिस्कस कर रहे हैं वही, क्या मतलब नौ बंदे हम, तो नौ की एक ही वैन हो जाएगी, तो बताता हूँ फिर आपको क्या रेट है क्या नहीं। और भाई हमने बैग ले लिया है, बैग में है रेनकोट है, क्योंकि एक तो रेनकोट मस्ट है आपके लिए, और पावर बैंक ले लीजिएगा अगर आप व्लॉगिंग करते हो या वैसे भी आ रहे हो। और भाई कुछ खाने पीने का डाल लीजिएगा, क्योंकि मैंने डाले हैं ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट भुजिया, ये जो जो भी नॉर्मली चीज़ें आपको सूटेबल हो आप वो डाल लीजिएगा। और अब बताता हूँ आपको कि आगे का केदारनाथ धाम के लिए जा रहे हैं भाई, और कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, लेकिन टैक्सी स्टैंड अभी तक तो मिली नहीं टैक्सी हमें। और ये मंदाकिनी नदी है, वेट ही कर रहे हैं बस कब टैक्सी मिले और फिर गौरीकुंड से हम चढ़ाई स्टार्ट करें केदार बाबा की। तो भाई जहाँ से पार्किंग है वहाँ से आप अगर क्रॉस करके 1 किलोमीटर एक आओगे तो वहाँ से पुल आएगा, पुल के साइड में ही है टैक्सी स्टैंड जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड ले जाएगा। और यहाँ भाई नॉर्मल किराया 50 रुपये है, तो आप ज़्यादा लेगा तो कोई सिर्फ 50 रुपये है, मैंने 3-4 रुपये ट्राई किया है। यहाँ फिर जाम लग गया भाई, और इन गाड़ियों में आते हैं हम गौरीकुंड तक। या फिर जाम लग गया तो हम इसलिए पैदल उतर के जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा जाम है, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। फाइनली भाई यहाँ से केदारनाथ की यात्रा पैदल यात्रा स्टार्ट हो जाती है, और 16 किलोमीटर लिख रखा है, लेकिन ये है कम से कम 23 से 24 किलोमीटर। तो भाई आप 16 किलोमीटर पर ध्यान ना दें, ये लगाओ 24 किलोमीटर आराम से, बिल्कुल कोई भी परेशानी लग रही है यात्रा के टाइम, जैसे सांस फूलना, बेहोशी व चक्कराना, मतलब जो भी ये लिखे हो, सिर दर्द और दिल की धड़कन का तेज होना, उल्टी आना, तो भाई आप 108 नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर ये सहायता नंबर। और भाई आप इन चीज़ों का ध्यान रखना, वरना आपकी सेहत के साथ अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करना। जैसे ही भाई आप चढ़ाई स्टार्ट करोगे तो रास्ते में एक ऐसी सीढ़ी मिलेगी, इस सीढ़ी से नीचे जाके उस तरफ अगर जाओगे तो आप गर्म कुंड मिलेगा, जहाँ आपको गर्म पानी मिलेगा, हमेशा गर्म पानी रहता है, तो आप वहाँ जाके स्नान कर सकते हो। अगर आपको स्नान नहीं करना तो आप डायरेक्ट चढ़ाई चालू कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये है वो गर्म कुंड, ये नेचुरली है, यहाँ कोई मतलब गर्म पानी की मोटर वगैरह या ऐसी कुछ चीज़ें नहीं लगी हुई, ये नेचुरली गर्म रहता है यहाँ, और बंदे स्नान भी कर रहे हैं। अगर किसी को यहाँ से भाई घोड़े पर जाना हो तो यहाँ घोड़ा स्टैंड है, तो यहाँ से आप 2500 रुपये है मतलब जाने का, और आने का है 1700 रुपये, और 2500 रुपये भाई सरकारी रेट है, मतलब जो भी है 2500 और 1700 है तो ये सरकारी रेट है। तो इसमें आप ये मत सोचना कि यहाँ सस्ता है वहाँ महंगा है, ये सरकारी रेट है, ये सब घोड़े का एक ही रेट है। हर हर महादेव भाई, हो गए दर्शन आपके? बिल्कुल दर्शन हो गए। अच्छे से हुए? अच्छे से। कब गए थे आप? कल सुबह 7 बजे निकले थे। अच्छा, साढ़े 4 बजे पहुँचे, और रेस्ट किया रूम लेकर। ठीक है, फिर वहाँ पर नाइट। रूम का क्या किराया है? 500। टेंट है? 1% टेंट। काफ़ी है टेंट, मतलब एक टेंट में 2 बंदोबस्त किया, 1000 हो जाएंगे। अच्छा, और फिर अब कब चले थे आप? अभी सुबह 9 बजे चले थे। अच्छा, कहाँ से हो? चंडीगढ़। अच्छा भाई, हल्का सा ही चले हैं, और व्यू देखो एक बार, झरने रोड पे गिर रहा है, बिल्कुल चढ़ाई जहाँ से हम चढ़ रहे हैं वहीं गिर रहा है, बिल्कुल रोड पे देखो। अरे वाह, नहाने का मन कर गया, बस नहाए नहाए नहीं पाएंगे हम। और देखो नीचे, ओम नमः शिवाय। हम भाई लगभग 3 किलोमीटर आ चुके हैं ऊपर, और मंदाकिनी नदी जो बिल्कुल नीचे थी वो अब दिख भी नहीं रही है, वो सिर्फ झरने हैं, नदी नहीं दिख रही प्रॉपर। हर हर महादेव भाई, मज़े आ रहे हैं? थके तो नहीं? कोई परेशानी आपको भाई? पूरे हो रहे हैं? चलो जय जय महादेव। चीरबासा पहुंच गए हैं, और भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन करते हुए जाएंगे हम। जय भैरव बाबा भाई। बीच बीच में हर एक 50 मीटर 100 मीटर पे
वो नींबू पानी की और खीरे की स्टॉल है। तो भाई उनका अपना रेट अलग अलग है, अब तो खीरे का 20 रुपये था, नींबू गिलास 30 का था। तो भाई आप बीच बीच में लेते रहो, लेते रहना, क्योंकि भाई रास्ता बहुत लंबा है, तो आप की एनर्जी डाउन ना हो, एनर्जी मेंटेन रहे। और भाई पिट्ठू का रेट यहाँ आदमी के वेट के हिसाब से है, जैसे 2000 है, 3000 है, 2500 है, 3500 है, लेकिन भाई मानना पड़ेगा यार सबसे ज़्यादा मेहनत पिट्ठू वाले करते हैं। एक तो खुद का वेट ऊपर से 100 किलो, ऊपर से चढ़ाई उतराई, मतलब यार सैल्यूट है उनको तो। और भाई उन चीज़ों का स्पेशल ख्याल रखा करो। भाई रास्ते में वाटरफॉल मिला है और देखो शानदार, बिल्कुल वाइट पानी, यह पानी पीने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन पी नहीं सकते वो बात अलग है, बहुत दूर है वो, हम होटल से पी लेंगे। और इन भाई मिले हमें, इनका चैनल है बादशाह बाइकर बादशाह 07 07, माई फेवरेट नंबर, यहाँ इस भाई का भी है क्या नेट बैड जो भी है 07 मेरा फेवरेट नंबर है भाई, क्योंकि वो माही भाई का है, माही सर का। और एक वो भाई है भाई, वो अलग, अगर किसी को डिस्काउंट लेना हो तो इस भाई से कांटेक्ट करें, घोड़ों का वो है सरताज। केदारनाथ रह गया भाई 12 किलोमीटर, और वैसे लगाओ तो आप 16 से 17 किलोमीटर है। झरना देखो आप, मस्त झरना लग रहा है। और भाई यहाँ का जो फ्री वाईफाई के बोर्ड लगे हुए हैं उन पर विश्वास मत करना, बेवजह बैटरी जाएगी आपकी, कुछ भी नहीं चलता, एक डंडा भी नहीं आता वाईफाई का, मतलब रेंज तो आए, मैसेज तो दिखे, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता। हर हर महादेव अंकल जी, हो गए दर्शन आपके, अच्छे हुए, मजा आ गया, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, हर हर महादेव गुड़िया, ठीक हो गए दर्शन अच्छे से? हर हर महादेव आंटी, हो गए अच्छे से दर्शन, मजा आ गया? हर हर महादेव बेटा, हर हर महादेव, यार मैं गलत लड़की पकड़ ली, ये बोलती नहीं, कोई बात नहीं, एक बार तो बोल दो गुड़िया, हर हर महादेव बोलो, मैं दर्शन करके आई हूँ, तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। अरे नहीं गुड़िया, ठीक हो जाओगे आप, हर हर महादेव, सर्दी जुकाम ऊपर जाने के बाद तो गुड़िया, हर हर महादेव बेटा। भाई हमें जाते जाते छोले मिले हैं, इनसे प्रोटीन और एनर्जी दोनों आती है, तो भाई ये खाए। भैया कहाँ से हो आप? बांग्लादेश, अरे वाह, ढाका, अरे वाह, कब आए थे आप? लास्ट फ्राइडे। कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ विजिट किया अभी तक? अच्छा ठीक है, मजा आ रहा है चढ़ाई करते टाइम? तकलीफ तो परीक्षा तो लेंगे महादेव, परीक्षा लेंगे, परीक्षा नहीं ले, ऐसे ही फल दे दिया तो फायदा नहीं उस चीज का। तो बांग्ला लैंग्वेज में कुछ बोलोगे? आई लव यू बोल दो। अरे बांग्ला लैंग्वेज में केदारनाथ भालोवासी। अच्छा, मेरे को मतलब केदारनाथ अच्छा लगा, ये बोलने जा रहे हो? आई लव केदारनाथ। अरे वाह, आलो माचू पाचू कच क्या शाबाश, आमी केदारनाथ भालोवासी। अच्छा, केदारनाथ भालोवासी, यानी हमें केदारनाथ बहुत अच्छा लगा। आमी केदारनाथ भालोवासी, भाई मेरे को भी बहुत अच्छा। केदारनाथ बाकी है यहाँ से 10.5 किलोमीटर, और अब तक का सबसे प्यारा सीन मिला है, और झरने देखो आप, मतलब मजा आ गया यार देख के, अब तक का सबसे प्यारा सीन। बाबा मिले, बाबा से बात करते हैं, चलो बाबा, हर हर महादेव, ठीक हो, मजा आ गया दर्शन करके? अच्छा चलो, हर हर महादेव बाबा। भाई देखो व्यू, ओह माय गॉड यार, स्वैग सिर्फ कह रहेगा पानी अपना। जाते जाते भाई बर्फ़ पड़ गई है ऊपर, और वो मेरे से बस कुछ ही दूरी पे है, ये लगा लो कि मतलब 2-4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है बस, और बस हम 10-15 साल में पहुंच जाएंगे। आई मीट यू। Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side, coming back inside my body.